हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ शिल्पी और आज के वीडियो में मैं दिखाऊंगी कि बेबी के लिए कैसे कैसे शूज़ खरीदे। मेरी बेबी का एज अभी एक साल अप हो गया है, तो मैं शुरू से लेके उसके लिए मैंने क्या क्या शूज़ खरीदा है आज मैं इस वीडियो में मैं वही दिखाऊंगी। फर्स्ट दिस शू, ये कपड़े का है और ये न्यू बॉर्न के लिए है, बहुत ही कंफर्टेबल है और इसके साथ मैचिंग मटन्स भी आते हैं। और मैंने अपने बेबी को मतलब यही पहनाया है, ठंडे के दिन में भी पहनाया है मैंने इसको, और बहुत ही क्यूट सा है। मैं उसको जब भी बाहर लेके जाती थी मैं इसे पहना कर ही लेके जाती थी, क्योंकि नंगे पैर अच्छे नहीं लगते, तो ये बहुत ही कंफर्टेबल है। 3 मंथ तक मैंने यही शूज़ पहनाया है, उसके बाद मैंने इस टाइप के शूज़ पहनाए हैं। ये भी कपड़े का ही है, बहुत सॉफ्ट है, इसके नीचे कोई सोल नहीं है। और ये आपको, ये दोनों आपको किसी भी शॉप में मिल जाएगा, बहुत ही क्यूट सा है। नेक्स्ट है दिस शू, ये मैंने 3-4 मंथ बाद ही ख़रीदा था और ये बहुत ही कंफर्टेबल है, बेबी हक का है। मैंने ये फर्स्ट क्राई से लिया है और ये ऐसे खुलता है, बहुत ही कंफर्टेबल है। ये कपड़े का है, जब तक बेबी वॉक नहीं कर लेता है तब तक आपको बेबी को कपड़े का शू ही पहनाना चाहिए। जब तक रिदवान वॉक करना नहीं सीखा था तब तक मैंने इस टाइप के शू से पहनाया था। उसके बाद जब वो धीरे धीरे वॉक करने लगा है, तो पहले तो नंगे पैर ही वॉक करना सिखाया, उसके बाद मैंने इस टाइप के सैंडल्स लिया है। ये भी मैंने ये मॉम्स भी से लिया है, बहुत ही कंफर्टेबल है, बहुत सॉफ्ट है। मेक श्योर आपके बेबी के शूज हार्ड ना हो, सॉफ्ट हो, तो इस टाइप के मैंने सैंडल्स लिया है। ये भी ऐसे खुलता है और ये इसका प्राइस है 500 जैसा। उसके बाद मैंने इसको ख़रीदा है, ये थोड़ा सा बड़ा है, एक साइज अप है, और ये से पहन के वो कंफर्टेबल है। मैंने पहना के उसको वॉक कराया था, तो ये थोड़ा ज़्यादा दिनों तक चलेगा, तो और इसका प्राइस 600 है। इस टाइप के शूज़ बहुत ही कंफर्टेबल होते हैं, तो मैंने ये मॉम्स भी से लिया है। मुझे उसके मॉम्स भी के शूज़ की क्वालिटी बहुत ही अच्छी लगी। और नेक्स्ट है दिस शू, ये मैंने फर्स्ट क्राई ऑनलाइन से लिया था, दिखने में बहुत ही क्यूट सा है और इसमें ये वाला है लाइटिंग और इसमें साउंड भी होता है, तो बेबी जब वॉक करता है तो उसको बहुत ही खुशी मिलता है, इसीलिए इस टाइप के शूज़ बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा है और ये बहुत ही कंफर्टेबल है, बहुत ही सॉफ्ट और कंफर्टेबल है। और इसको ये ऐसे खुलता है। ये तीनों शूज़ जो है ये इसमें साउंड आता है, तो बेबी के लिए ये बहुत ही अच्छा है, साउंड वाला शूज़। मैं आप जब भी शूज़ ले बेबी के लिए तो साउंड वाला शूज़ ही ले, क्योंकि उसमें बेबी को वॉक करने में बड़ा मज़ा आता है और वो उस साउंड को सुन के भी बहुत अच्छे से वॉक करते हैं। मैंने ये सैंडल लिया है, ये घर पे पहनने के लिए लिया है, और इसमें इस टाइप के लेस आते हैं और ये भी सॉफ्ट ही है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, ऊपर से सॉफ्ट है ये। सो फ्रेंड्स, मैंने अपने बेबी के लिए जो जो सैंडल लिया है अब तक मैंने वो सारा दिखाया है आपको, और आगे जब भी मैं सैंडल्स लूँगी मैं उसके वीडियो बाद में दिखाऊँगी। और अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।